साथियों, आज सुशासन दिवस पर ऐसे समय में जब हम नए वर्ष और नए दशक में प्रवेश करने जा रहे हैं, तब हमें अटल जी की एक और बात अवश्य याद रखनी चाहिए। अटल जी कहते थे कि हर पीढ़ी के भारत के प्रति भारत की प्रगति में योगदान का मूल्यांकन दो बातों के आधार पर होगा और ये दोनों मानदंड हर नागरिक के लिए हैं। हम कोई भी काम करें, उन दोनों मानदंड को हमारे सामने रख करके करें। अटल जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है, उन दो में पहला है, हमें जो विरासत में मिली कितनी समस्याओं को हमने सुलझाया है, ये पहला मानदंड है। विरासत में समस्याएं आई हैं, आती हैं, लेकिन हमने जो विरासत में मिली वो कितनी समस्याओं को सुलझाया है। और दूसरा, राष्ट्र के भावी विकास के लिए हमने अपने खुद के प्रयासों से, इनिशिएटिव से कितनी मजबूत नींव रखी है। साथियों, इन दोनों सवालों के आलोक में आज हम कह सकते हैं कि 2020 के साल में भारत अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ प्रवेश कर रहा है। हमें विरासत में जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं और चुनौतियां मिली, उनके समाधान की निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 370 कितनी पुरानी बीमारी थी, कितनी कठिन लगती थी, हमें विरासत में मिली थी, लेकिन हमारा दायित्व था कि हम ऐसी कठिन से कठिन चुनौतियों को सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किए और हुआ, आराम से हुआ। सबकी धारणाएं चूर चूर हो गई, राम जन्मभूमि का इतना पुराना मामला, शांतिपूर्ण समाधान, भारत आजाद हुआ, विभाजन हुआ तब से लेकर के लाखों गरीब, उसमें भी ज्यादा दलित है, वंचित है, शोषित है, पहने कपड़े पहन करके अपना धर्म बचाने के लिए, अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत की शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता की गरिमा देने का रास्ता, ऐसी अनेक समस्याओं का हल इस देश के 130 करोड़ भारतीयों ने निकाला है। इस आत्मविश्वास से भरा हुआ हिंदुस्तान 2020 में प्रवेश कर रहा है, एक नए दशक में कदम रख रहा है। और अभी भी जो बाकी है, उनके समाधान के लिए भी पूरे सामर्थ्य के साथ हर भारतवासी प्रयास कर रहा है। चाहे हर गरीब को घर देना हो, चाहे हर घर जल पहुंचाना हो, कितनी ही बड़ी चुनौतियां होगी,
हम चुनौतियों को चुनौती देने के स्वभाव को लेकर के निकले। साथियों, 2014 से लेकर 2019 तक के कालखंड में हमने चुनौतियों को चुनौती देने का एक भी मौका छोड़ा नहीं। 2014 से पहले देश की आधे से अधिक आबादी के पास शौचालय नहीं था, अब शौचालय पहुंच चुका है। करोड़ों गरीब परिवार, हमारी माताएं बहनें रसोई घर में धुएं में जिंदगी गुजारती थी, अब हर घर तक गैस पहुंच रही है। हजारों गांव, हजारों परिवार अंधेरे में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर थे, अब उनके घर में बिजली पहुंच रही है। आधे से ज्यादा आबादी बैंक से दूर थी, उसके लिए बैंकों के दरवाजे खोले हैं। करोड़ों गरीब परिवार के पास अपना घर नहीं था, करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों के घर बन चुके हैं। 2022 तक हर गरीब जो बेघर है उसको अपना पक्का घर देने के लिए काम तेजी से चल रहा है। गांव गांव तक सड़क पहुंचाने का काम, रेलवे कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है और साल 2024 तक हर घर जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए भी हम पूरी तत्परता के साथ जुट चुके हैं। यही समाधान न्यू इंडिया की प्रगति के लिए ठोस नींव तैयार कर रहे हैं। इसी ठोस नींव पर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के संकल्प को सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का झोर लगाते हुए देश को साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ताकि करोड़ों भारतवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठे, गरीब से गरीब को भी गरिमा और सम्मान का जीवन मिले। साथियों, यही तो सुशासन है, यही तो सुराज है, जिसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना मालवीय जी सहित तमाम राष्ट्र निर्माताओं ने की थी।